सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन बिना वजह के खुश रहने का मजा ही कुछ और है। इसलिए हमेशा खुश रहो। सूरज निकलने का वक्त हो गया है, फूल खिलने का वक्त हो गया है, मीठे नींद से जागो मेरे दोस्त, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त हो गया है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। आज का पंचांग 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 8:10 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर दोपहर 1:36 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर ही रहेंगे। मकर राशि 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार, घर आज दिलो दिमाग में बैठा है। आपका ध्यान परिवार पर केंद्रित है, जो शायद आपकी माता या किसी छोटे के स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं। घर की मरम्मत या नवीनीकरण के बारे में कुछ बातों पर आपको अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप में असंभव को भी संभव करने की लालसा है। आपकी मंजिल दूर नहीं है, बस अपने कदमों को तब तक आगे बढ़ाते रहें जब तक आपका लक्ष्य सामने ना हो। कार्य को पूरा करने के लिए अपने अहंकारों को छोड़कर दोस्तों और प्रियजनों की मदद लें। पालतू जानवरों और आश्रितों को आपकी जरूरत है। प्रॉपर्टी अथवा शेयर्स वगैरह में निवेश करने का अनुकूल समय है। आपका विश्वास और दृढ़ निश्चय होना आपको सफलता देगा। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट आदि में सफलता प्राप्ति के उचित योग बने हुए हैं। कड़ी मेहनत के बाद परिवार संबंधित कोई समस्या दूर हो सकती है। प्रयत्न करने के बाद भी आपको श्रेय नहीं मिलेगा, निराशा रह सकती है। काम से जुड़ी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की कोशिश करनी होगी। काम की जगह सतर्क रहना होगा, वरना आपकी कमजोरियों का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। काम से जुड़ी बातों में जागरूकता रखें, सहकर्मियों की वजह से नुकसान होने की संभावना है। आप अपनी बातों में उलझे रहेंगे, इस वजह से पार्टनर पर ध्यान देना संभव नहीं होगा। सावधानियां, कभी कभी अनावश्यक खर्चे सामने आने से परेशानी रहेगी। घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, हालांकि आप उनको निभाने में सक्षम भी रहेंगे। भाइयों से संबंधित किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार की जिम्मेदारियों को आप बखूबी निर्वहन करेंगे, परंतु अतिरिक्त वैवाहिक संबंध तनाव का कारण भी बन सकते हैं। अभी आप जीवन में शांति महसूस करेंगे, क्योंकि आज के दिन आपके बेहतरीन दिनों में से एक है। रोमांटिक संबंधों को नमकीन बनाने के लिए महंगे उपहार नहीं, बल्कि कभी कभी आपकी मौजूदगी और एक स्पर्श ही काफी होता है। आज आपकी मुलाकात आपके साथी से छुप नहीं पाएगी। अपने साथी का दिल जीतने में कोई भी कसर बाकी ना रखें। उन्हें उनकी पसंद का उपहार दें या सिर्फ एक गुलाब का फूल, दोनों ही सूरतों में आप उन्हें प्रभावित करेंगे। अपनी बेजान जिंदगी में चाहत का रंग भरने के लिए अपने व्यक्तित्व पर भी ध्यान दें। बात करते हैं करियर की। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय घरेलू मामले आपसे अधिकतर समय और धन की मांग कर सकती हैं। यह समय है थोड़ा फ्री होकर किसी बड़े प्रोजेक्ट या साइड में काम करने का। आज जुए शेयर या पैसे के लेन देन से बचें, अच्छे से तैयार हो जाएं, क्योंकि भविष्य में आपको किसी मुश्किल कार्य का सामना करना पड़ सकता है। अहंकार को छोड़ें, आज आपको अपने दोस्तों व सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। अपनी ध्यान अपनी लक्ष्य पर केंद्रित करें। पालतू जानवर या आप पर आश्रित आज आपसे अतिरिक्त समर्थन की मांग कर सकते हैं। व्यवसाय संबंधित आगामी कार्यों की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है। साहित्य तथा कला से जुड़े व्यवसाय में बेहतरीन सफलता मिलेगी। मेहनत तथा परिश्रम का पूरा पूरा साथ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों तथा अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग व मार्गदर्शन अवश्य लें। बात करती है सेहत की।
स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। खांसी जुकाम बुखार की समस्या परेशान भी करेगी। परिवार में किसी सदस्य की सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान चालीसा का शाम को पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।